हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग छापेकर, जो आपको बताता है बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्मों का हाल। तो इस हफ्ते रिलीज हुई है बहुत सारी फिल्में, लेकिन हम बात करेंगे तीन फिल्मों की। सबसे पहले बात करेंगे मंगेश हड़ावले की मलाल की, जो बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित थी। दूसरी डायरेक्टर अशोक नंदा की वनडे, और तीसरी डायरेक्टर विशाल मिश्रा की मरुधर एक्सप्रेस। तो सबसे पहले बात करते हैं मलाल की। मलाल एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी उन्होंने बनाई है, जिसके प्रोड्यूसर जो हैं वो संजय लीला भंसाली, उन्होंने स्क्रीन प्ले में भी हेल्प की है। मंगेश ने वैसे काफ़ी सारी अच्छी मराठी फिल्में बनाई हैं, तो जिस तरह से उन्होंने उसको ट्रीट किया है, 90s का ये पीरियड रखा है, और जिस तरह से वो स्क्रीन प्ले में उस फिल्म को ट्रीट किया गया है, वो वाकई फिल्म बहुत स्लो है पर आपको कहीं ना कहीं बांधे रखती है, आपको वो प्यार का एहसास जगाती है, आपको आपकी आंखें नम करती है, आपको गुदगुदाती है, आपको मुस्कुराने पर मजबूर करती है। तो एक प्यारी सी खूबसूरत सी लव स्टोरी है। जिस तरह से मिजान और शर्मीन ने परफॉर्म किया है, वो लगता ही नहीं कि फर्स्ट टाइम आए हैं। तो एक बॉलीवुड को दो स्टार्स और नए मिले हैं इस फिल्म के माध्यम से। मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 3 स्टार। दूसरी फिल्म है डायरेक्टर अशोक नंदा की वनडे। वनडे में अनुपम खेर है, कुमुद मिश्रा है, मुरली शर्मा है, राजेश शर्मा है, ऐसे कई सारे लोग हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग है वो है। जिस तरह का स्टोरी लाइन था, उसके इंटेंशन बड़े ऑनेस्ट थे, बहुत अच्छी स्टोरी उन्होंने रखी, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन का अभाव था। वो पूरे स्क्रीन प्ले में एक कहीं पर टूटा टूटा सा लगता है, आपको समझ में नहीं आता, कई चीज़ों लॉजिक के परे लगती है। तो ये फिल्म का स्क्रीन प्ले अगर और सुधार लिया जाता तो ये फिल्म शायद बहुत अच्छी बन पड़ती। परफॉर्मेंसेस में अनुपम खेर ने बहुत शानदार परफॉर्म किया है, कुमुद मिश्रा तो मतलब आप जानते ही हैं, कुमुद मिश्रा एक बहुत समर्थ कलाकार, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। राजेश शर्मा छोटे से किरदार में आते हैं लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 2 स्टार एक्टर्स के लिए, अनुपम खेर साहब के लिए और कुमुद मिश्रा के लिए। इस हफ्ते की तीसरी फिल्म है डायरेक्टर विशाल मिश्रा की मरुधर एक्सप्रेस। मरुधर एक्सप्रेस एक अलग ही टाइप की लव स्टोरी है, मतलब आपने सोची नहीं होगी ऐसी सी लव स्टोरी है। मतलब मैं उसको अभी स्टोरी बताकर आपका मजा नहीं खराब करना चाहता, लेकिन आप ये जाकर फिल्म देखिए, आपने ऐसी अतरंगी लव स्टोरी आज तक नहीं देखी होगी। अगर मैं विशाल मिश्रा के डायरेक्शन की बात करूं तो वो पिछली फिल्मों से काफी प्रोग्रेस कर गए, उनका प्रोग्रेशन आपको इस फिल्म में देखने मिलता है। परफॉर्मेंस लेवल पर जो हीरोइन है तारा अनिशा बेरी, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उनके साथ साथ जो इसके दोस्त की भूमिका निभाते हैं, वो दोनों दोस्तों ने एक थोड़े से ओवर एक्ट करते हैं, लेकिन दूसरे दोस्त ने जो कनपुरिया स्टाइल में बोलते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। राजेश शर्मा इस फिल्म में बहुत अच्छा परफॉर्म करते नजर आते हैं। मुझे ये फिल्म अच्छी लगी, ये थोड़ी सी बहुत ही हटके लव स्टोरी है, इसलिए मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 3 स्टार। आप जाइए और मुझे बताइए कि आपको भी ये फिल्म उतनी अच्छी लगी या नहीं जितनी मुझे लगी। तो अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात नई फिल्मों के साथ, तब तक सी यू, टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब टू मिडडे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन।